सच साहस सरोकार। नमस्कार, मैं हूं त्रिशला यादव, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। हम सभी अपनी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम अपनी किसी वजह से अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते हैं। कभी मजबूरी तो कभी जिम्मेदारी बाधा बन जाती है। पर आज हम बात करेंगे ऐसी लड़की की जिसने सारी परेशानियों और मुश्किलों को पीछे छोड़ते हुए अपना हर सपना साकार करने का जज्बा रखती है। आइए दिखाते हैं हमारी इस खास रिपोर्ट। पैरों से इबारत लिख रही दिव्यांग छात्रा, सफलता के लिए खुद से कर रही है जंग, गरीबी बन रही सफलता में बाधा, परिवार का पालन पोषण हो रहा मुश्किल, सरकार से लगाई मदद की गुहार। जीवन में कुछ हासिल करने का सपना संजोए हुए दोनों हाथों से दिव्यांग छात्रा अपनी सारी बाधाओं और कठिनाइयों को पार कर देश का नाम रोशन करने के लिए आगे बढ़ रही है। एक तरफ शारीरिक कमजोरी तो वहीं दूसरी तरफ गरीबी कामयाबी के रास्ते में बाधा बन रही है। इसके बावजूद भी दोनों हाथों से दिव्यांग छात्रा अपने पैरों से नई इबारत लिख रही है और पैरों से लिखकर इंटर पास कर बीए की पढ़ाई कर रही है। आपको बता दें, दिव्यांग छात्रा दीपिका अपना सारा काम पैरों से करती है, जिसके लिए छात्रा ने सरकार से सहयोग की मांग भी की है। अमेठी जनपद के विकास खंड क्षेत्र के अचलपुर गांव की रहने वाली छात्रा दीपिका बताती हैं कि वह दोनों हाथों से दिव्यांग है। उन्होंने अपने पैरों से ही लिखकर हाई स्कूल और इंटर पास किया है। उन्होंने आगे बताया कि वह अपने पैरों से ही सारा काम करती है। वह पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती है और अपने देश का नाम रोशन करना चाहती है, जीवन में कुछ बनना चाहती हैं। उनका कहना है कि घर में पैसे की प्रॉब्लम्स है, घर में एक ही सदस्य कमाने वाला है। उनका कहना है कि मेरे पापा ही पढ़ाई का पूरा खर्च उठाते हैं, शासन प्रशासन से आज तक किसी योजनाओं का लाभ नहीं मिल रहा है। दीपिका सरकार से अच्छी पढ़ाई करने के लिए मदद चाहती है। सरकार से उनकी यही दरख्वास्त है। सर, मैं अपने पैरों से ही लिखती हूँ, पढ़ती हूँ। हाई स्कूल इंटर मैंने अपने पैरों से लिखकर पास किया है और पैरों से ही सब कुछ करती हूँ, सारा काम कर लेती हूँ और पैर से ही लिखती हूँ, पढ़ती हूँ, सब काम करती हूँ पैरों से। पढ़ाई करके आगे आप क्या बनना चाहती हैं? सर, मैं पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ी होना चाहती हूँ और अपने देश का नाम ऊँचा करना चाहती हूँ। छात्रा के पिता बताते हैं कि प्रशासन व शासन से अभी तक किसी योजना का लाभ नहीं मिला है। वह कृषि का कार्य करते हैं और अपने परिवार का खर्च उठाते हैं। उनका कहना है कि मेरे पास कोई रोजगार नहीं है। वह खेती करके अपनी बेटी की पढ़ाई का खर्च उठाते हैं। वह चाहते हैं कि सरकार से उनकी बेटी को अच्छी से अच्छी सुविधा मिले, जिससे वो अच्छे से पढ़ाई कर सके, अपने पैरों पर खड़ी हो सके और अपने जीवन में कुछ बन सके। डेस्क रिपोर्ट, प्राइम टीवी। हमें ना जिला प्रशासन से और ना शासन से किसी भी तरह का जो लाभ नहीं मिला हमारी बेटी को। मैंने अपने आप बच्चे को पढ़ाया है शुरू से लेकर आज तक। जो भी फीस हुई मैंने स्वयं उसके दिया है। आर्थिक समस्या है, कृषि करता हूँ, कोई मैंने जो है रोजगार नहीं हमारे पास, ना पैसा का कोई स्रोत है। अपने आप मजदूरी मतलब बेस पे मतलब पढ़ाई टीचिंग वाला काम करके अपने पढ़ाया है और किसी भी तरह का योजना का लाभ नहीं मिला है सर। हम चाहते हैं हमारे बेटी को अच्छी से सुविधा दी जाए ताकि वो अपने भविष्य में कुछ बन सके, पढ़ सके और अच्छा सा जो है शिक्षा ग्रहण कर सके ताकि वो अपने भविष्य को उज्जवल बना सके। ये सब देखते हुए ये कहा जा सकता है कि इस लड़की के अंदर मुश्किल को हराने का जज्बा है। फिलहाल अब देखना ये होगा कि प्रशासन की तरफ से इस लड़की को क्या मदद मिलती है, क्या इस दिव्यांगों के लिए चल रहे योजनाओं का लाभ मिल पाएगा। आप देख रहे हैं प्राइम।